नमस्कार, आप देख रहे हैं TFO इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, या तो वो फैसले आम लोगों से जुड़े हुए हैं, या फिर जो अंदर स्टाफ हैं, या जो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उससे जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं, यानी कि उसमें तब्दीली लाई जा रही है। ऐसे ही कुछ फैसले हैं वो आपको बताते हैं, जिसमें कुछ फैसलों पर अब मतभेद भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि जो मेडिकल कॉलेजेस या फिर डेंटल कॉलेज के जो HOD होंगे अलग अलग विभागों के, आपको बता दें कि बहुत सारे विभाग होते हैं मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के, उसमें जो HOD अभी तक नियुक्त किए जाते थे वो ज़्यादातर सीनियरिटी बेसिस पे ही होते थे, यानी कि सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें नियुक्त किया जाता था, जिससे ये शिकायत आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर या डॉक्टर्स हैं जिन्हें HOD बनने का मौका ही नहीं मिलता और वो बिना HOD बने ही रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में ये फैसला किया गया कि अब रोटेशन बेस पर HOD की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि ये फैसला पहले भी लिया गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब ये सूत्र बता रहे हैं कि अब ये फैसला जो है वो लिया जाएगा और इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। लेकिन अब इसी फैसले को लेकर जो है वो मतभेद भी शुरू हो चुके हैं। कुछ प्रोफेसर या जो कुछ डॉक्टर्स हैं उसने इस पर नाराज़गी व्यक्त की है और ये कहा है कि अगर कोई HOD सीनियरिटी बेस पर बनता है और रोटेशन बेस पर, यानी कि 2 साल के बाद अगर उसे रोटेट करके दोबारा से नए HOD को बनाया जाएगा, तो ऐसे में उसे एक जूनियर डॉक्टर या प्रोफेसर के अंडर काम करना पड़ेगा, जो उसके लिए सही नहीं होगा और दोनों में मतभेद बने रहेंगे और एक गैप भी आ जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इनका ये जो फैसला लिया गया है ये वापस ले लिया जाए। दूसरी तरफ अगर HOD पर ही बड़ा फैसला जो दूसरा लिया गया है, वो आपको बता दें कि हो सकता है कि जो HODs बनते हैं उनकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस होती है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसको भी पहले लगाया गया था लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से इसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की जो नियम है उसको अब इम्प्लीमेंट करने की तैयारी की जा रही है। ये सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर फिलहाल रोटेशन बेस पर भी शुरू हुआ है, लेकिन जम्मू में इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और प्रोफेसर के बीच में मतभेद देखा जा रहा है। कुछ डॉक्टर और HOD ने इसका समर्थन किया है, लेकिन कुछ इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि HOD की अगर बात करें तो ये वाकई में सही है कि सीनियरिटी बेसिस पर भी नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखेंगे तो ये वाकई में ये भी सही है कि कुछ लोगों को HOD बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध की बात है HODs की, वो भी सही है क्योंकि आम लोगों से जुड़ा फैसला है। लेकिन सबसे ज़्यादा अब ज़रूरी ये है और ये देखना होगा कि आखिरकार इस तरीके के निर्देश पहले भी कई बार जारी हुए हैं, लेकिन इस बार जो निर्देश जारी किया गया है उसे कितनी सख्ती से लागू किया जाएगा। कैमरामैन नवीन सुदन के साथ ऋचा चन्ना, TFO इंडिया।